आज मैं मेरे किचन में बना रही थी चॉकलेट ब्राउनी, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। एक्चुअली हमारे घर में है एक छोटी सी पार्टी, जिसका मैंने यहाँ पर छोटा सा ब्लॉग बनाया है आप सभी के साथ। मैंने रेसिपी भी शेयर करी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने पार्टी के लिए कुछ कुछ चीजें मंगा कर रखी थी, वो अभी मैं पैकेट खोल रही थी। कुछ ऐसी चीजें होती है दोस्तों, जो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे घर पर हो। अब जैसे हम लोग ये गुड़ का पाउडर यूज करते हैं, तो महीने की जो लिस्ट बनाई थी उसमें मैं इसको मंगाना भूल गई थी। मैदा है जो मैं हमेशा यूज नहीं करती, लेकिन आज मुझे ब्राउनी के लिए चाहिए था। चने मंगाए हैं जिसे मैं बनाने वाली हूँ पिंडी छोले। चेरी है ब्राउनी की गार्निशिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने मंगाई है चीनी, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो चीनी थोड़ी ही थी घर में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा चीनी मंगा लेते हैं। और उसी पैकेट में अभी काली मिर्च के दाने थे, और अब मैं पीस रही हूँ चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी के जार में लिया है, थोड़ा सा ही घुमाऊंगी जिससे चीनी का एक फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। ब्राउनी के लिए चीनी को पीस कर ही इस्तेमाल करें तो हमारी ब्राउनी बहुत अच्छी बनती है। ये चीनी लीजिए, पीसकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद से मैं वन बाय वन करके चीजें डालूंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1.5 कप भर के मैदा। 1.5 कप मैदे के बाद मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सारी चीजों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। इनको छान लेते हैं, छान कर अलग कर लिया है। अब इसके बाद से हम यहाँ पर ले रहे हैं चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। और ये डालेंगे हम 3 टेबल स्पून भर के। इसको भी छान कर लेंगे क्योंकि इसमें गुठलियां बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद से ये जो ड्राई चीजें हैं इनको अलग करेंगे, और एक बड़े बर्तन में हम लेंगे बाकी की चीजें। और इधर मैं मैदे के साथ ही चीनी का पाउडर भी 1 कप भर के ले लेती हूँ। तो 1/2 कप करके मैंने 2 बार लिया है, यानी कि पूरा 1 कप ले लिया है। अब इधर हम एक भगोने में डाल रहे हैं तेल। तो मैंने यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल है वो 3 टेबल स्पून लिया है। पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला और 2 मैंने बाद में डाल दिया है। इसके बाद से 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध होता है वो ले लीजिए। और साथ ही हम लेंगे नींबू का रस। जी हाँ, यहाँ पर ब्राउनी में इस्तेमाल में करने वाली है नींबू का रस का। उससे पहले मैंने सोचा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मिक्सर है उसको मैं सेट कर देती हूँ इसके ब्लेड वगैरह लगाकर, और इससे जो हम मिक्सर यूज करते हैं वो ब्राउनी बहुत अच्छी बनती है। नहीं है तो इस तरह की जो मैं हैंड मिक्सर आपको नॉर्मल वाला दिखा रही हूँ, उससे भी आप चीजों को मैदे को मिक्स कर सकते हैं। इसको मैं सेट कर दूंगी। उसके बाद से मैंने ले लिया है नींबू। नींबू बड़ा है तो 1 टेबल स्पून ईजिली निकल जाएगा। तो देखिए, 1/2 नींबू से मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जूस को निकाल लिया है। इसे मैं दूध के साथ मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही अलग टाइप की रेसिपी है। और इसके बाद जो ड्राई चीजें हैं मैदा चीनी वगैरह, उनको मैं यहाँ पर मिला दूंगी। ये जो सारी चीजें हैं उनको आपको एक साथ ही मिलाना है। ऐसा नहीं कि केक के बैटर की तरह धीमे धीमे मिलाना है, एक साथ मिलाइए। उसके बाद से मशीन से इसको चला दीजिए। हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा अच्छा सा घोल बनकर तैयार हो जाता है। ये कोई बेकिंग का आइटम नहीं है जिसे आपको बेक करना है, इसे हमें सिर्फ और सिर्फ कुक करना होता है। सिर्फ 5 मिनट में हमारी ये चॉकलेट ब्राउनी बनकर तैयार हो जाती है। एक माइक्रोवेव के बर्तन को अच्छा सा ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद से ये जो घोल तैयार किया है, रेशियो यही रखिएगा, इसमें कुछ भी चीजें घटाना या बढ़ाना नहीं है। अब इसके बाद से जो घोल है उसको डाल देंगे बर्तन में, इतनी जगह हो कि जब हमारी ब्राउनी फूले तो वो 1/2 जगह ऑक्यूपाई कर ले। अब यहाँ पर अच्छे से जो भगोने में लगा हुआ है वो भी मैं डाल लेती हूँ। इस तरह करके मैंने 3 से 4 बैचेस ब्राउनी को बनाई थी, क्योंकि घर में जो हमारी पार्टी थी उसमें 20 से 25 लोग आने वाले थे, तो ब्राउनी मैं वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही बनाती हूँ। अब इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में सिंपल कुकिंग मोड पर हमें इसको पकाना होगा, एकदम सिंपल कुकिंग मोड पे। तो जैसे माइक्रोवेव में हम लोग खाना गर्म करते हैं वैसे ही करना है। देखिए, मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को ऑन करूंगी। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और ब्राउनी बनकर तैयार हो जाएगी। जब इसको निकालें तो अच्छे से ठंडा होने दें। अभी मैंने यहाँ पर 3-4 बैचेस ब्राउनी के बना लिए हैं। देखिए, छोटे वाले जो माइक्रोवेव के बर्तन होते हैं कांच के, उनमें ही बनाया है, और बड़े वाले में बनाया थे। इस तरह से करके मैंने 3-4 बैचेस बनाए थे। इनको मैं काट रही हूँ, एकदम सॉफ्ट होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटिए, प्लेट में लेंगे। उसके बाद से डालेंगे चॉकलेट ड्रेसिंग, यानी कि चॉकलेट सॉस जो मार्केट में आती है डब्बे में, वो मैं लेती हूँ। थोड़ी सी चेरी डाली है, थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल दिए हैं। इस तरह के जो भी गार्निशिंग वाली चीजें हैं उनको डाल दीजिए, और बस इसके बाद से बच्चों को सर्व करिए या फिर बड़ों को। ये मैं चॉकलेट ड्रेसिंग का डिब्बा दिखा रही हूँ, इस तरह का बड़ा सा डिब्बा इजीली मिल जाता है। और यहाँ पर मैं 2 बोल में और तैयार कर रही थी भोग लगाने के लिए। साफ साफ से कान्हा जी को भोग लगाऊंगी और अपने घर में मतलब मम्मी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद से देखिए, हमारी चॉकलेट ब्राउनी बनकर तैयार है, और बस एंजॉय करते हैं।